तो गाइस फाइनली हमारे पास भी आ चुका है गाइस यहाँ पे रियलमी का बर्ड्स वायरलेस 3 जिसको गाइस मैंने यहाँ पे अमेजोन से मंगवाया है गाइस यहाँ पे लॉन्च से एक दिन पहले, क्योंकि गाइस ये आपको 8 तारीख के आसपास थोड़ी देर के लिए गाइस यहाँ पे लिस्ट हुआ था 2000 के प्राइसिंग पे। बाकी गाइस यहाँ पे रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 की गाइस यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस आपको यहाँ पे ओनली 1700 रुपीज़ है, क्योंकि इस कल आपको गाइस यहाँ पे 12 बजे इसकी सेल है। बाकी आप सबके लिए मैंने गाइस यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा पे करके मंगवाया है ताकि गाइस आप लोग यहाँ पे गलत चीज़ें नहीं खरीद लो, पहले यहाँ पे गाइस इसको देखो कि गाइस कैसा है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग परचेज करना। तो चलिए हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस चलिए हम लोग फटाफट इसको ओपन करते हैं और गाइस देखते हैं कि कैसा है गाइस यहाँ पे नेकबैंड, जिसके लिए हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे और गाइस काफी सारे गाइस ये हाइप बनाकर रखा हुआ था इसने। तो हम लोग फटाफट से गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और गाइस देखते हैं कैसा हमारा गाइस यहाँ पे रियलमी का बर्ड्स वायरलेस 3। बाकी आप लोग थोड़ा चैनल पर गाइस यहाँ पे प्यार दिखाओ, आप सब गाइस यहाँ पे हम लोग इतना करते हैं लाइक, देख सकते हो 300 एक्स्ट्रा पे करके इसको मंगवाया गाइस रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3 को। गाइस फर्स्ट इंप्रेशन बताऊँ तो गाइस बॉक्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, पैकेजिंग तो गाइस मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और गाइस यहाँ पे एक अलग सा लुक देने का कोशिश किया गया है आपको, जो टिपिकल जो रहता है इनका गाइस यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉक्स उससे थोड़ा हट के, तो डेफिनेटली काफ़ी पसंद आया मुझे। बाकी अब सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3, डेफिनेटली हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। और गाइस इधर आपको मेंशन है रियलमी लिंक एप्लीकेशन और गाइस सेल से आपके पास एक दिन पहले सामान आ जाती है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा। और गाइस दिस इज द रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 और हम लोग निकालते हैं गाइस यहाँ पे इसको बाहर। व्हाट्सएप क्वालिटी गाइस डेफिनेटली इन हैंड फील तो गाइस मेरे को पहले से काफ़ी मतलब बढ़िया लग रही है, जैसे मैंने पहले भी यूज किया है रियलमी का बर्ड्स वायरलेस 2 उसके मुकाबले। और इस बात करेंगे यहाँ पे कुछ इसके एसेसरीज की, तो देख सकते हो यहाँ पे मिलते गाइस ओनली ईयरबड्स और गाइस इधर मिलते हैं आपको यहाँ पे रियलमी तरफ से यूजर गाइड। बाकी यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, हमें यहाँ पे मिसिंग देखने के लिए मिलती है तो वो है गाइस यहाँ पे आपको डेटा केबल, डेफिनेटली आपको यहाँ पे गाइस डेटा केबल देखने के लिए नहीं मिलती है। तो गाइस हम लोग रखते हैं इन सब चीज़ों को साइड में और गाइस हम लोग बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और गाइस यहाँ पे डिजाइन के बारे में, गाइस कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे गाइस डिजाइन तो मेरे को गाइस काफ़ी थोड़ा अलग लगा है लेकिन इनका जो टिपिकल रहता था उससे। मॉड्यूल पे रैप की गई है तो हम लोग गाइस यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, इस रैप को दोनों साइड गाइस यहाँ पे रैप की गई है और गाइस डेफिनेटली यहाँ पे ग्लोसी फिनिश आपको गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है इनका जो मॉड्यूल है वो। बाकी सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के, तो गाइस डिजाइन आपको यहाँ पे टिपिकल जो आता था राउंड शेप में उससे थोड़ा अलग दी गई है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लगा। बाकी वायर की क्वालिटी आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इस यहाँ पे वन प्लस का जो बुलेट जी आता था उस तरह की दी गई है, आपको ब्रीडेड वायर है बट देखते हैं कि इससे ड्यूरेबल रहता है कि नहीं, ये तो आपको यहाँ पे गाइस कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी और इस यहाँ पे डिजाइन के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस आपको इनके दिए गए हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग आप जैसा देख पा रहे होंगे। बाकी इनका जो मॉड्यूल है फुली ग्लोसी फिनिश में दिया गया है, बाकी यहाँ से इन पे ज्वाइंट दिया गया देख सकते हो, लाइक मुझे लगता है यहाँ पे इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, जो कि पहले गाइस यहाँ पे टूट जाता था रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 की कंप्लेंट थी, बट ऐसा कंप्लेंट शायद इसमें आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। बाकी इनका जो ये आपको यहाँ पे रबराइज मटेरियल का बना हुआ है ये, जो कि गाइस काफ़ी मुझे सॉफ्ट भी लग रहा है। और गाइस बात करें आपको यहाँ पर इस राइट साइड की, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे 4 बटन देखने के लिए मिलते हैं, बटन आपको इस यहाँ पे काफ़ी टेक्टाइल है, काफ़ी टेक्टाइल फील होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बटन हमारा ANC का देखने के लिए मिलती है, साथ ही गाइस यहाँ पे 3 टिपिकल बटन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि गाइस आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस, साथ ही आपको यहाँ पे MFB बटन मिल जाते हैं मल्टी फंक्शनिंग बटन, साथ ही नीचे की ओर देखो तो गाइस आपको यहाँ पे मिलती है टाइप सी गाइस चार्जिंग पोर्ट देख सकते हो, जो कि काफ़ी फास्ट ये चार्ज करने वाला है। बाकी बात करेंगे वायर की क्वालिटी की, वायर की क्वालिटी मेरे को यहाँ पहले से तो बेटर लगा है, लाइक मैंने जैसा यूज किया है तो पहले इनका जो वायरलेस 2 का था उतना ड्यूरेबल वायर मेरे को यहाँ पर नहीं लगता था, बस डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो वायर मिलती है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलती है पहले के मुकाबले, हल्का सा टेक्स्चर भी दिया गया है। और गाइस बात करेंगे यहाँ पे इनके बर्ड्स की, तो गाइस आप देख सकते हो ये है इनका बर्ड्स, बर्ड्स की क्वालिटी गाइस मेरे को यहाँ पर पहले से तो बेटर लगी है, आप देख सकते हो डिजाइन भी एकदम सा अलग दिया गया है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे गाइस हल्का फुल्का मेरे को यहाँ पे OnePlus Z2 की याद आ रही है। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइस इसको कान में लगा कर देखता हूँ कैसे फिटिंग है, तो गाइस डेफिनेटली फिटिंग तो गाइस मुझे इसकी काफ़ी बढ़िया लगी है पहले के मुकाबले। बाकी आप जैसे इसको हटाओगे गाइस यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है देख सकते हो, ये ब्लिंक कर रहा है, इट्स मीन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो हम लोग चलिए कनेक्ट करते हो गाइस, देखते हैं मैंने इसकी कैसी है गाइस यहाँ पे साउंड क्वालिटी, बाकी टेस्टिंग तो गाइस यहाँ पे बाद में चलते रहेगी। अलाउ पेयर
तो यहाँ पे फास्ट फेयर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलती है, ब्लूटूथ माइक सेटिंग ओके। प्रेस कनेक्ट हो चुका है ये हमारे फ़ोन से, आप देख सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसका आपको यहाँ पे टेस्ट करते हैं साउंड क्वालिटी का, इससे यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बात करेंगे इसके फीचर्स की तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में इसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर ही रखा है। तो अभी बात करते हैं हम लोग जनरली कि इस यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड रिव्यू नहीं चल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे अमेजन से खुद के पैसे से मंगवाया है, और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है यहाँ पे। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ इस यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी सुनकर, और गाइस यहाँ पे इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन टेस्ट कर। डेफिनेटली गाइस बात करेंगे इसके एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की, तो काफ़ी आपको इस यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। पर इस मैंने ऐसा देखा कि पंखा चला रहा हूँ तो मतलब उसकी आवाज़ एकदम बंद हो जा रही है, हाँ बट एकदम हेवी वाला प्रेशर आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है, जिससे आपको यहाँ पे एकदम इरिटेशन यहाँ पे क्रिएट होगी। बाकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। बात करेंगे साउंड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। बेस आपको डेफिनेटली डीप बेस देखने के लिए मिलती है, तो बेस में यहाँ पर कोई भी कमी आपको नहीं की गई है, बेस तो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। बाकी साउंड क्वालिटी में आपको यहाँ पे कोई भी शिकायत डेफिनेटली नहीं आने वाली है। बाकी मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मेरे को गाइस ये नेकबैंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हाँ डेफिनेटली एक दो चीज़ की मिसिंग है, लाइक पहले जो साउंड क्वालिटी मिलती थी आपको यहाँ पे गाइस एलडेक वाली, और गाइस यहाँ पे सोनी के हाईरेस वाली, वो तो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी बात करेंगे डेफिनेटली कि आपको यहाँ पे 2000 का अंडर में नेकबैंड आपको यहाँ पे वर्थ इट रहेगा, अगर इस यहाँ पे आप ढूंढ रहे हो 2000 का अंडर में एक नेकबैंड परचेस करने का, जिसमें गाइस आपको काफ़ी अच्छा बैटरी देखने के लिए मिलने वाला है, जो गाइस यहाँ पे आपको 30 से 40 घंटे की बैटरी लाइफ, साथ ही आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिसकी अच्छी हो साउंड क्वालिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ड्यूरेबल हुई हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतरीन कर दी गई है, और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम कंफर्टेबल भी, आपको यहाँ पे एकदम से इरिटेशन फील नहीं होगी, और इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो तो मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट है। 2000 के अंडर आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है जो कि आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये नेकबैंड काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। रियलमी ने आपको इस यहाँ पे मार्केट में मुझे लगता है क्रैश करने वाला है ये इस प्राइस पे लॉन्च हुआ। हाँ बट गाइस यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि ये लोग यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज नहीं करें, अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो 2000 तक जा सकते हैं जितने मैंने परचेज किया, पर मुझे लगता है 2000 से ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। बाकी इस आपको बात करेंगे थोड़ी सी गाइस यहाँ पे इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की, गाइस यहाँ पे इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, तो हम लोग चलिए टेस्ट कर लेते हैं और बताते हैं आपको यहाँ पे इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। तो भाई साहब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आप यहाँ पे रियल बर्ड्स वायरलेस तरह की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं, तो भाई साहब मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि हम लोग हर यहाँ पे रोड के साइड में, तो थोड़ी मोटी आपको यहाँ पे ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही होगी। तो भाई चलिए अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी अनबॉक्सिंग वीडियो रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 की, जो गाइस मैंने आपको यहाँ पे सेल से एक दिन पहले दिया है अनबॉक्सिंग, तो आप थोड़ा सा अपना यहाँ पे प्यार दिखा सकते हो उस लाइक बटन को दबा के और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो भाई चलिए अगर आप यहाँ पे इस नेकमेंट के साथ किसी की भी कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा इस यहाँ पे उसको कंपेरिजन करने की। तो भाई चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।